हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सबको शिक्षा पर। आज मैं आपको मैथ के बेसिक थ्योरी इस टॉपिक के ऊपर सेकंड क्विज़ लाया हूँ। सबसे पहले क्विज़ हो चुके हैं, फर्स्ट क्विज़ हो चुके हैं, ये है क्विज़ नंबर 2 ऑन मैथ बेसिक थ्योरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने, विच अमॉन्ग दिस इज़ द क्यूब रूट नंबर ऑफ 64। नीचे दिए गए में से कौन सा नंबर 64 का क्यूब रूट नंबर है? ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 6, ऑप्शन नंबर 4 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 4 इज द क्यूब रूट नंबर ऑफ 64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अ चीपर इज द अनादर नेम फॉर व्हाट। चीपर ये अनादर नेम है किसका? ऑप्शन नंबर 1 कोड, ऑप्शन नंबर 2 मोड, ऑप्शन नंबर 3 नंबर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज पासवर्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कोड। अ चीपर इज द अनदर नेम फॉर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 8 टू द पावर 5। 8 टू द पावर इस वैल्यू की एक्सपोनेंट क्या है, यानी कि 8 रेस टू द पावर 5। एक्सपोनेंट 5 को कहा जाता है, एक्सपोनेंट 8 को कहा जाता है। ये हमें फाइंड करना है, यानी कि आंसर देना है। व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 8 टू द पावर 5। ऑप्शन नंबर 1 8 को एक्सपोनेंट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 5 को एक्सपोनेंट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 13, यानी कि इन दोनों को मिलाकर 8 + 5 = 13 या फिर 8 × 5 = 40, यानी कि इनकी मल्टीप्लिकेशन करके एक्सपोनेंट फाइंड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 5 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 8 रेज़्ड टू द पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच अमॉन्ग दिस इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। नीचे दिए गए में से कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 25, ऑप्शन नंबर 2 36, ऑप्शन नंबर 3 49, ऑप्शन नंबर 4 68। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 68, बिकॉज 25 इज ए स्क्वायर नंबर ऑफ 5, 5 × 5 = 25, 36 स्क्वायर रूट इज 6, 6 × 6 इज 36 एंड 49 इज द स्क्वायर 49 हैज द स्क्वायर रूट 7, 7 × 7 = 49. Next question number 5, how an angle less than 90 degree is called. नीचे दिए गए में से किसको अगर किस एंगल को उसकी अगर वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो तो उसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ऑब्टूस एंगल, ऑप्शन नंबर 2 एक्यूट एंगल, ऑप्शन नंबर 3 स्केलिन एंगल, ऑप्शन नंबर 4 इक्विलैटरल एंगल। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हैज़ द वैल्यू एंगल लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच अमॉन्ग दिस इज इक्विवेलेंट टू 0। नीचे दिए गए में से कौन सी वैल्यू 0 से इक्विवेलेंट है? ऑप्शन नंबर 1 8 + 0 = 8 - 0 = 0/8 या ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड 0/8 = 0। ये वैल्यू इक्वेलेंट टू 0 है। 0/8 0/8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ नॉट ए कार्डिनल नंबर बट एन ऑर्डिनल नंबर। नीचे दिए गए में से कौन सा कार्डिनल नंबर नहीं है लेकिन ऑर्डिनल नंबर है। ऑप्शन नंबर 1 9, ऑप्शन नंबर 2 9 इनवर्ड्स, ऑप्शन नंबर 3 नाइन्थ, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 निन्थ। निन्थ इज नॉट ए कार्डिनल नंबर बट एन ऑर्डिनल नंबर। निन्थ एक ये क्या है कार्डिनल नंबर नहीं है लेकिन ऑर्डिनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ नॉट ए क्यूब n⁴ ऑफ एनी गिवन नंबर। नीचे दिए गए में से कौन सा क्यूब नहीं है किसी भी नंबर का। 64 ऑप्शन नंबर 1, 125 ऑप्शन नंबर 2, 216 ऑप्शन नंबर 3, 342 ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 342 बिकॉज 64 इज द क्यूब ऑफ 4, 125 इज द क्यूब ऑफ 5 एंड 216 इज द क्यूब ऑफ 6 बट 342 इज नॉट द क्यूब ऑफ एनी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 विच फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट अमाउंट। नीचे दिए गए में से कौन सा फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 1 3/4, ऑप्शन नंबर 2 6/8, ऑप्शन नंबर 3 8/10, ऑप्शन नंबर 4 9/10। तो इसका सही आंसर के लिए आपके पास है 10 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 8/10। इट इज द फ्रैक्शन विच इज लार्जेस्ट अमॉन्ग ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज़ द न्यूमरेटर ऑफ 2/6। नीचे दिए गए में से 2/6 का न्यूमरेटर कौन है। न्यूमरेटर किसे कहा जाता है 2 या फिर 6 को। 2 जो लाइन के ऊपर है और 6 जो लाइन के नीचे या फिर जो लाइन के स्लैश के राइट हैंड साइड में है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में, किसे न्यूमरेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 2 यानी कि स्लैश के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो वैल्यू है उसको, 3 यानी कि स्लैश के जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है उसको, या फिर 6 को ऑप्शन नंबर 3 या फिर उसके मल्टीप्लिकेशन को ऑप्शन नंबर 4। तो इसका सही आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2। 2 इज़ द न्यूमरेटर ऑफ 2/6 यानी कि जो लाइन के ऊपर रहता है वैल्यू या फिर जो भी उसे न्यूमरेटर कहते हैं या फिर जो स्लैश के लेफ्ट हैंड साइड में रहता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड विद जस्ट 3 डिजिट्स एंड द आंसर इज एस्टिमेटेड टू हैव 369 मिलियन डिजिट्स। नीचे दिए गए में से कौन सा लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर होगा दैट कैन बी एक्सप्रेस विथ इन जस्ट 3 डिजिट्स एंड द आंसर इज एस्टिमेटेड टू हैव 369 मिलियन डिजिट्स। नीचे दिए गए में से किस को हम यहाँ पे 369 मिलियन डिजिट के बराबर रख सकते हैं। नीचे दिए गए में से कौन से 3 डिजिट को 9 × 9 × 9 या फिर 9 × 9 99 या फिर 9 × 99 या फिर 9 × 9 / 9 तो इसका सही आंसर आपके लिए ढूंढने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। देखिए मैं ऑप्शन फिर से दोहराता हूँ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, थोड़ा अच्छे से समझिए। विच इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर, नीचे दिए में से कौन सी लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है जो कि हम एक्सप्रेस कर सकते 3 डिजिट नंबर से, और द आंसर इज एस्टिमेटेड टू 369 मिलियन डिजिट्स। यानी कि 369 मिलियन डिजिट्स को हमें सिर्फ अगर 3 डिजिट में अगर एक्सप्रेस करना है या फिर यहाँ पे एस्टिमेट करना है तो नीचे दिए गए में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। 9 × 9 × 9 या फिर 99 टू द पावर 9 या फिर उसके बाद 9 टू द पावर 99 या फिर 9 टू द पावर 9 टू द पावर 9। यानी कि 9 टू द पावर 9 99, 9 टू द पावर 99 कितना होगा 81, 81 टू द पावर 9। तो इस तरह से तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 9 टू द पावर 9 टू द पावर 9। यानी कि 9 टू द पावर 9 क्या है, सॉरी 9 टू द 9 पावर जो भी होगा उसका भी पावर 9 या फिर उसका स्क्वायर रूट 9। यानी कि जो 9 टू द पावर 9 है उसकी जो वैल्यू का, यानी कि 9 टू द पावर 9 जो वैल्यू है उसका भी 9th पावर। यानी कि 9 टू द पावर 2 81, यानी कि 81 × 9 फिर उसका 9 फिर उसका 9। उसी तरह से हमें फिर से जो वैल्यू मिली उसका भी हमें 9th का से एक्सपोनेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल, कोन और पिरामिड और द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ ए गिवन बेस। नीचे दिए गए में से कौन सा ये एक हाईएस्ट पॉइंट होता है ट्रायंगल का, कोन का और पिरामिड का और द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ ए गिवन बेस और जो बेस के ऑपोजिट रहता है उस कॉर्नर का। ऑप्शन नंबर 1 एपेक्स, ऑप्शन नंबर 2 वर्टेक्स, ऑप्शन नंबर 3 कॉर्टेक्स, ऑप्शन नंबर 4 कॉर्टेक्स। थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इसी में कॉर्टेक्स। तो इसका सही आंसर देने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एपेक्स। एपेक्स इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल, कोन और पिरामिड और द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ ए गिवन बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टू विच ऑफ दिस द प्रोडक्ट इज ए नेगेटिव वैल्यू। नीचे दिए गए में से किस को अगर हम करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इंटू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू इट इज़ नेगेटिव वैल्यू और नॉट, नेगेटिव इंटीजर इंटू नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर इंटू नेगेटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू व्हाट एंड नन ऑफ दिस। नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा इक्वेशन या फिर जो मल्टीप्लिकेशन होगा जिसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। 3 ऑप्शन दिए गए अपने आपके पास, 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर Third, positive into negative integer is equals to a negative integer. यानी कि the product of positive and negative is a negative value. The product of negative and negative value is positive, and product of positive and positive value is also positive. The only odd thing is that the product of negative value and positive value is a negative value. Next, question number 14. An angle more than 180 degree but less than डिग्री इज कॉल्ड एज। जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से मोर देन होता है बट लेस देन 360 डिग्री, लेकिन उसकी वैल्यू 360 डिग्री से कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ऑब्ट्यूज एंगल, ऑप्शन नंबर 2 स्केलिन एंगल, ऑप्शन नंबर 3 आइसोस्केलस एंगल, ऑप्शन नंबर 4 रिफ्लेक्स एंगल। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द ओरिजिनल टर्म फॉर ज़ीरो। ज़ीरो के लिए ओरिजिनल टर्म कौन सी थी। ऑप्शन नंबर 1 चीपर, ऑप्शन नंबर 2 सिफर, ऑप्शन नंबर 3 शून्य, ऑप्शन नंबर 4 कोसम। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सिफर। Sifar was the original term for zero. Next. Question number 16. How many times the digit 5 represent from 1 to 100? कितने बार हम कितने टाइम्स द डिजिट 5 रिप्रेजेंट फ्रॉम 1 to 100 5 इस डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑप्शन नंबर 1 10 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 2 16 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 3 18 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 4 20 टाइम्स. तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 20 टाइम्स द डिजिट 5 रिप्रेजेंट्स फ्रॉम 1 to 100. 20 बार हम डिजिट 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 से 100 के भीतर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज द ब्रांच ऑफ मैथ पर्टेन्स टू द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा नोन एज. नीचे दिए में से कौन सी ब्रांच मैथ की पर्टेंस करती है टू द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. ऑप्शन नंबर 1 स्टैटिक, ऑप्शन नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन नंबर 3 मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर 4 वेक्टर. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स पर्टेंस टू द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा और द ब्रांच ऑफ मैथ pertains to the collection and interpretation of data is statistics. Next. Question number 18. What is the symbol for the ratio of circumference of a circle to its radius? Question में फिर से दोहराता हूँ. What is the symbol for the ratio of the circumference of a circle to its radius? Ratio of circumference of a circle to its radius. यानी कि जो ratio होता है circumference से radius का उसे किस symbol से हम डिनोट करते हैं. ऑप्शन नंबर 1 बीटा, ऑप्शन नंबर 2 सिग्मा, ऑप्शन नंबर 3 पाई, ऑप्शन नंबर 4 गैमा. और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है पूरे 10 सेकेंड्स. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पाई. द सिंबल फॉर द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स रेडियस इज पाई. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द कॉमन अप्रॉक्सीमेशंस टू द पाई वैल्यू. नीचे दिए गए में से कौन सा कॉमन अप्रॉक्सीमेशन होता है पाई वैल्यू के लिए. ऑप्शन नंबर 1 3.14, ऑप्शन नंबर 2 22/7, ऑप्शन नंबर 3 बोथ ऑफ द अबोव, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस. तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर के लिए आपके पास 10 सेकंड है. आप इसे दिमाग में सोच सकते कि कौन से आंसर रह सकते हैं. और आपको अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो प्लीज़ आप स्टॉप करके भी फाइंड कर सकते हैं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बोथ ऑफ द अबव. 3.14 एंड 22/7 इज द कॉमन अप्रॉक्सीमेशंस टू द पाई वैल्यू. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 45 एंड 50. नीचे दिए गए में से कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 45 और 50 का. ऑप्शन नंबर 1 3, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 9, ऑप्शन नंबर 4 10. तो नीचे दिए गए में से कौन सा कॉमन फैक्टर है 45 एंड 50 का. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड्स है. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 5 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 45 एंड 50. तो इसी के साथ मैथ इस टॉपिक के बेसिक थ्योरी सब टॉपिक के ऊपर सेकंड क्विज कंप्लीट हुए. 20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं आज के दिन. तो इसी तरह से मोटिवेट रखिए खुद को और स्टडी के लिए कंसिस्टेंट रखिए. अगर इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिलती है और हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए. हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच.